अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। जी तो आज हम एक और धमाकेदार रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है शानवरी कढ़ाई। तो ये भी बनती है बड़ी आसानी से, बहुत इजी से बन जाती है, इतना टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, बहुत लिमिटेड इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और ये फटाफट बन जाने वाली कढ़ाई है। तो फिर चलते हैं, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी कढ़ाई भी फटाफट से रेडी हो जाए। वैसे भी 14 अगस्त आने वाली है तो आप ये कढ़ाई बना सकते हैं 14 अगस्त पर। अच्छा जी, तो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमारे पास हैं टमाटर, और टमाटर हैं 3 बड़े साइज के टमाटर थे, उन्हें मैंने रफली कट कर लिए। इसके बाद है जी चिकन, 2 किलो मैंने चिकन लिया है हड्डी वाला, और ये 7 से 8 हरी मिर्चें थी, इनको मैंने थोड़ा मोटा काट लिया गोल गोल। ये जी कुटी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें मैंने 1 चम्मच लिए। जीरा भी मैंने 1 चम्मच लिया है। काली मिर्चें मैंने 2 चम्मच लिए, और नमक भी मैंने 2 चम्मच लिए। ये चार मसाले हैं, इनमें से आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कर लें, ज्यादा या कम, जो भी आपको सही लगे, जो आपके घर का हिसाब है, जिस तरह से आप उस तरह से मसाले कम या ज्यादा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया, उसके अंदर मैंने 1 कप तेल डाला और उसको मैंने गर्म कर लिया। ठीक है, ये तेल हमारा गर्म हुआ है, अब हम इसमें डालेंगे चिकन। मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स हमने इसको कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे जी नमक। जो नमक है हम इसके अंदर वो डाल देंगे। अच्छा जी, तो नमक हमने डाल दिया, अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम इसको इतना पकाएंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और चिकन जो है ना वो अपना पानी छोड़ दे, इतना हम इसको पकाएंगे। अच्छा जी, तो चिकन ने हमारे कलर चेंज कर लिया पूरा, आप देखें कितना बेहतरीन इसने अपना कलर चेंज कर लिया और इसने अपना पानी भी छोड़ दिया। तो अब हम इसमें डालेंगे जी हरी मिर्चें जो हमने मोटी मोटी काटी थी वो डालेंगे। तो 5 मिनट हम इसे इसके अंदर भून लेंगे। अच्छा जी, तो 5 मिनट मुझे हो चुके हैं इसे भूनते हुए मिर्चों को, अब हम इसमें डालेंगे जी टमाटर। और टमाटर को भी हम अच्छे से भून लेंगे, इन सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अच्छा, ये कढ़ाई बड़ी सादी सी बनती है, देखें बहुत ही जबरदस्त सी बनती है, इजी तरीके से बनती है, बहुत सिंपल सी है लेकिन बनती टेस्टी है, इसकी ये खासियत है। बस इसमें टमाटर आपको थोड़े ज्यादा डालने होते हैं क्योंकि फिर हमारी जो ग्रेवी बनती है ना वो टमाटर से बनती है, क्योंकि कढ़ाइयों में प्याज तो डलती नहीं है। आप चाहें तो आप डाल सकते हैं इस पॉइंट पे प्याज, तो क्या है वो भी घुल के नरम हो जाएगी, लेकिन हम नहीं डालेंगे, हम टमाटरों से ही बनाएंगे, टमाटर मिर्च से यही काफी है हमारे लिए, हम इन्हीं से बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। तो आप भी ये कढ़ाई बनाएं, एंजॉय करें, मजे करें, डिनर में बनाएं, लंच में बनाएं, बनती इजी और जबरदस्त सी कढ़ाई है ये, बड़ी कढ़ाई। तो चलें फिर इसको 10 मिनट भूनती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। अच्छा जी, तो इन सारी चीजों को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है, अब हम इसमें डालेंगे जी काली मिर्चें, इसको मिक्स कर लेंगे। लो जी, ये भी होगी मिक्स, अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इनको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि जो हमें मसाले डाले ना उनका कच्चापन दूर हो जाए।
तकरीबन हम इन्हें 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। अच्छा जी, तो मसालों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जी हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें डाल देंगे इसके ऊपर, साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। पांच से छह मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली, इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे जी 1/2 ग्लास पानी और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसे ढक्कन ढाक कर 5 मिनट के लिए दम पे पकाएंगे। 5 मिनट बाद में आपसे मिलती हूँ जब इसका दम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, तो 5 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी डिश हो गई है रेडी। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर आया, ग्रेवी भी अच्छी सी बन गई है, चिकन भी हमारा गल गया पूरा और जो मिर्चे थे वो भी हमारी बैठ गई है। तो अब हम करते हैं जिसको डिश आउट। अच्छा जी, तो कढ़ाई जो है वो हमारी होगी बिल्कुल रेडी, डिश आउट भी होगी। अब हम थोड़ी सी कर लेते हैं गार्निशिंग। तो हम सिर्फ डालेंगे थोड़ी सी अदरक, बस इतनी काफी, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर मिर्चे हैं और ये वैसे ही माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, तो इसे ज्यादा सजाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, तो रेडी हो चुकी है हमारी शानवरी कढ़ाई। आपने देखा कि कितने जबरदस्त तरीके से ये रेडी हुई है और कितने इजी तरीके से हमने इसको रेडी किया है, और ये लग भी बड़ी खूबसूरत सी रही है, बड़ी प्यारी सी लग रही है हमारी कढ़ाई। तो आप लोगों ने ये काम करना है कि आप लोगों ने चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, उसके साथ बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑल पे करना है, उसके साथ वीडियो को लाइक करना है और उसके साथ साथ शेयर भी करना है। जो भी आपके रिश्तेदार, फैमिली वगैरह, जिस जो जो है आपके कॉन्टेक्ट में, उन सबको आपने ये वीडियो शेयर करनी है, उनको बोलो कि ये कढ़ाई बनाए, ठीक है। तो आपने मेरा ये काम करना है। बाकी इस रेसिपी को आप लोग तो जरूर ट्राई करना और नीचे आके फिर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि भाई रेसिपी आपको कैसी लगी। तो बस फिर यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेकी बान।